ओपन पेज नंबर 86 ऑफ योर इंग्लिश ब्रॉडवे यूनिट 9 लिटिल गर्ल। So open page number 86 and write today's date and day on the top of the page. Chapter name is Little George. Find it out. Let's start. Here you can see pictures on page 86. Here are two pictures. Yes. Can you guess whose picture are these? Little George है भाई। This one. मैम लिटिल जॉर्ज 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 जॉर्ज हु इज जॉर्ज टीचर मेरा नाम सुंदर जावेद है मैं टू जी सुंदर टीचर मेरी अटेंडेंस लग गई है जी बेटा अगर आपने मैसेज किया है तो आपकी अटेंडेंस लग गई है मैसेज किया आपने मैम यस मैम किया है जो मैसेज करेंगे उनकी अटेंडेंस मैम मैंने लगा ली है मैं 2 फॉर गिवनेस से ही पढ़ता हूँ ओके प्रेजेंट में ओके रियान ओके लेट्स स्टार्ट हु इज जॉर्ज जॉर्ज लिटिल वाइल्ड आउट स्टोरी ग्रू अप एंड बिकेम एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जॉर्ज मैम आप वन मोर टाइम बोल सकती है प्लीज स्टॉप वन मोर टाइम Little George was the first president of the United States. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिक्चर किसकी है ये पिक्चर जॉर्ज की है जिसकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे ठीक है आज हम इसकी चाइल्डहुड स्टोरी पढ़ेंगे और यही बच्चा आगे चल के कौन बनता है ये प्रेसिडेंट बनता है किसका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ठीक है और ये दूसरी पिक्चर किसकी है ये दूसरी पिक्चर में कौन है मैम वही है वही है एक ही बंदे लिटिल जॉर्ज मैम ग्रॉज पर्सन ये दोनों सेम पर्सन है एक ही है मैम सेम है नो यस मैम एक ही पर्सन है नहीं एक तो नहीं है ओके रीड फर्दर मैम फेमस व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जॉर्ज हिज फुल नेम वाज जॉर्ज वॉशिंगटन ठीक है डू यू नो जॉर्ज वॉशिंगटन द नेम ऑफ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम पता है आप लोगों को नो नो आप देखने में कैसे थे नो दिस पिक्चर इज First president of Pakistan and his name was Skandar Mirza. ठीक है? Here you will write his name. Do you know the name of our first president? Write it here. यहाँ आपने पाकिस्तान के first president का नाम लिखना है और उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? अभी क्या बताया मैंने ग्रेड टू वो बहुत पाकिस्तान कंदर मिर्जा जी कंदर मिर्जा दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट पिक्चर इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है ये दोनों पिक्चर्स प्रेसिडेंट की है फर्स्ट पिक्चर है अमेरिका के प्रेसिडेंट की और सेकंड पिक्चर है पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट नाउ राइट द नेम हियर अभी हमारे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है
आपको पता है प्रेसिडेंट कौन होता है? नो किसी भी कंट्री का जो हेड होता है प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं। सब चुप करेंगे तो आवाज आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे नेम लिखना है फर्स्ट प्रेसिडेंट का, और सेकंड में लिखना है जो अभी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान उसका भी। कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी। अभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर आरिफ डॉक्टर आरिफ अलवी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्टोरी, लुक एट 86। मैम डॉक्टर आरिफ फर्स्ट पे लिखना या सेकंड पे? सेकंड पे बेटा, ठीक है मैम। ओके, लुक एट पेज नंबर 86। ठीक है, जॉर्ज गॉट एन एक्स फॉर अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, निकल जॉर्ज को उसके बर्थडे के ऊपर एक प्रेजेंट मिला, गिफ्ट मिला। क्या प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट मिला इसको, लिटिल जॉर्ज को क्या गिफ्ट मिला बर्थडे पे? एक्स। क्या होता है? एक्स। बर्थडे जाना है यहाँ पिक्चर इसके हाथ में है, ये क्या चीज है? मैम कुल्हारा यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है? दरख्त काटने के लिए, दरख्त काटने के। जी जी। नाउ नेक्स्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी। हाउ यू यूज इट जॉर्ज? हाउ यू यूज इट? बी केयरफुल हाउ यू यूज इट जॉर्ज, सेड हिज फादर। अब उसके फादर वार्न कर रहे हैं कि बहुत केयरफुल रहना, तुम्हें पता है इसको किस तरह यूज करते हैं? इट्स नॉट अ टॉय। उसको इट्स नॉट अ टॉय, वो टॉय नहीं था, वो एक रियल एक्स था, ठीक है। यस फादर, ही रिप्लाइड, आई विल बी केयरफुल। ठीक है, अब उसने फादर को तो ये कह दिया कि मैं केयरफुल रहूंगा। ओके, ही वेंट आउट इनटू द गार्डन विद इट। वो अपना एक्स लेके गार्डन में चला गया। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल चेरी ट्री इन द गार्डन। His father had planted it. गार्डन में किसने लगाई था? हमें जो है, जो नन्ना माल ये पड़ा है, ये खाएगी। कहीं पांच रुपए का जीता है, तो पहले ये नन्ना माल। यार की भी लड़ने वाली, कपड़े भी लड़ने वाले, जूते भी लड़ने वाले। three म्यूट कर दूँगी। वही देखिए भी ये देख सारी गलती लड़ने वाली, कपड़े भी ये देख करते सारी बो आ रही, माल भी सारे नकली लड़ने वाले। Yes, ma'am. You are not paying attention. I said no talking. Okay, let's start. I am asking कि गार्डन के अंदर किस चीज का ट्री था, कौन से फ्रूट का ट्री था गार्डन में? और किसने प्लांट किया था उस ट्री को? जॉर्ज के फादर ने। जॉर्ज फादर हैड प्लांटेड दैट चेरी ट्री। जॉर्ज थॉट इज माय एक्स शार्प। नाउ ही वाज थिंकिंग कि क्या मेरा एक्स शार्प है भी या नहीं, क्या ये चीजें काटता है ट्री या वुड वगैरह काटता है या नहीं। तो लेट्स ट्राई इट। ही हिट द ट्री वंस विद हिज एक्स। क्या उसने एक बार उस ट्री को हिट किया अपने एक्स के साथ। ही मेड अ स्मॉल कट इन द ट्री। जैसे ट्री को हिट किया, ट्री के अंदर एक स्मॉल कट लग गया। यू कैन सी इन द पिक्चर, जब उसने वंस इसको हिट किया तो ट्री स्मॉल कट लग गया। एक्स क्या था? बहुत ज्यादा। यस मैम।
चार था ना? Yes, ma'am. I'm very sharp. This X is not sharp. He said. He's not sharp. वो कहता है कि मेरा तो sharp है ही नहीं. ठीक है? Then he hit the tree again. उसने दोबारा hit किया. It made a deep cut. Second time जब उसने hit किया तो क्या हुआ? पहले से भी ज़्यादा deep cut लग गया tree के अंदर. ठीक है? He said. This axe is sharp. I like it. ठीक है? अब वो टेस्ट कर रहा था कि मेरा जो एक्स है वो शार्प है या नहीं. तो उस टेस्टिंग के दौरान उसने क्या किया? उसने चेरी ट्री को कट कर दिया. यू कैन सी चेरी ट्री के ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है, चेरी भी लगी हुई है. ऐसे ही है मैम? यस. ओके. यस. The next morning, his father went into the garden. He saw the cherry tree. It was dying. Dying means the tree was near to death. ठीक है? क्योंकि tree के अंदर cut लग चुके थे, तो वो tree क्या था? वो fresh नहीं रहा था. It was dying. It was near to death. मैम आप नजर नहीं आ रही. Look at your books. He was angry. Why he was angry? Who was angry? George's father was angry. He who cut my cherry tree? He shouted. Shouted means? चोर मत कराया. ऊंचा सा बोला. Yell at. ठीक है? उसने बहुत ऊंची आवाज में कहा, Who cut my cherry tree? Who cut it? ठीक है? वो बार बार ये कह रहा था, Who cut my cherry tree? लेटर ज्योग्राफी ने काटा. He shouted. He came running out. जब जॉर्ज ने अपने फादर की आवाज सुनी तो वो भागता हुआ बाहर आ गया. ठीक है? He said, I cannot tell a lie, father. I cut it with my little axe. अब उसने अपने फादर से झूठ नहीं बोला. ठीक है? He said, कि मैं झूठ नहीं बोल सकता. इस ट्री को मैंने काटा है अपने छोटे से एक्स के साथ. ठीक है? Your father said, I'm sorry you cut my cherry tree, George, but I'm glad you told me the truth. अब उसके फादर पहले तो नाराज थे कि मेरे चेरी ट्री किसी ने काट दिया. इस बात पे वो डर से भी नाराज थे. बट वाई ही वॉज हैप्पी? वाई ही वॉज ग्लैड? लेटर ज्योग्राफी ने त्रुट बोला. जी, उसने सच बताया अपने फादर को, उसने झूठ नहीं बोला. तो उसकी इस बात पे उसके फादर का सारा गुस्सा खत्म हो गया और ही वॉज हैप्पी. जॉर्ज ने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला. सच बोला. ठीक है? सच बोलना अच्छी बात है ना? Yes. अगर आप दुनिया बढ़ते भी देखेंगी 86 और 87. जी बेटा. दुनिया बढ़ते भी देखेंगी 86 और 87 पेज नो बुक में. बेटा, it is reading. मैं आपको words reading और words sentences भेजूंगी, वो आपने write करने होंगे. This is योर बुक पेज और यहाँ पे मैं आपको रीड करवा रही हूँ. आपने इसकी रीडिंग करनी है अपनी बुक्स में से. ठीक है? ओके. ओके. तो मुझे बताए, सच बोलना चाहिए ना? अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज तो आपको बात छुपानी नहीं चाहिए. ठीक है? उनको सच बता देना चाहिए कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है. अपनी मिस्टेक को हाइड नहीं करना चाहिए. ठीक है? So always what is the moral of the story? इस story से हमें क्या मिलता है? क्या lesson मिलता है? मैम सच बोलना अच्छी बात है. कभी झूठ मत बोलना, हर वक्त सच बोलते रहना. जी, हमें सच बोलना. सच की मिट्टी जीत होती है. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. नोटबुक घर भूल आते हो, आप लोग टेस्ट याद नहीं करते हो, तो आप अपनी टीचर्स को भी सच बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे.
ठीक है, सेम एज अपने पेरेंट्स के साथ आप हमेशा सच बोलेंगे, ठीक है। काम ओके 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 मैम, सी वोकैबुलरी ओके मैम। यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स है, सो इनको मेरे साथ आपसे अपने रीड करना है। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? शार्क। क्या होता है? पॉइंटेड, बहुत तेज चीज होता। मदद अली से एक शार्क। शार्क व्हाट इज द सेकंड वर्ड? Dying means near to death. मर जाना, ठीक है, near to death. Dying. Near to death. Near to death. What is this? Shouted means बोलना, जोर कौन से तरीके बोलना। Shouted. मैम ये कौन सा पीरियड है? बेटा ये इंग्लिश की क्लास है, ग्रेड टू की। इसके बाद कौन सा पीरियड होगा? इसके बाद साइंस का लेसन होगा। इसके बाद कौन सा पीरियड होगा? साइंस का। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? सॉरी में डिपेंड करना। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? मुझे माफ कर दें। आप सॉरी बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया, ठीक है। What is this? खुश होना। Glad means? मैम glad means happy. Happy होना। मैम very happy. जी very happy. अच्छा ग्रेड टू। मैं आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस की वर्कशीट सेंड करूंगी। बट वर्ड सेंटेंसेस आपने ठीक है, आपने खुद कोशिश करनी है। बोला और मैं फिर से बोले, मैम फिर से बोले। You will write vocabulary words, word meaning and word sentences in your English notebook and do complete your index page. Okay? And don't copy the sentences. Try to make by yourself. खुद से sentence बनाने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है? बहुत simple से words हैं, you can make better.